वहीं दिल्ली सरकार आज विधानसभा का दो दिन का सत्र बुलाया उनकी तरफ से गया है। सत्र के दौरान बारिश के पानी की निकासी को लेकर बनी कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इस कमेटी में आम आदमी पार्टी के 9 विधायक शामिल थे। दरअसल जल्दी ही दिल्ली में मॉनसून दस्तक देने वाला है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा भी इस सत्र में हो सकती है। DU में शहरी छात्रों के रिजर्वेशन का मामला भी इस सेशन में उठ सकता है। वहीं सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कपिल मिश्रा के आरोपों पर भी विपक्ष सरकार से सवाल कर सकता है। तो दिल्ली विधानसभा का दो दिन का सेशन है, कई अहम विधेयक माना जा रहा है कि पेश हो सकते हैं।